بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمين كوليجيت لسن 54 English Basic Sentences recorded by Tariq Aziz. Today I found very interesting sentences, so I'm going to share with you. मुझे थोड़े से सेंटेंसेस नज़र आए तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लगी है। आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लगी है। दिस शुड नॉट हैपेंड, ये नहीं होना चाहिए था। दिस शुड नॉट have happened, this should not have happened, ye nahi hona chahiye tha. What will you like to eat? What will you like to eat? Tum kya khaoge? I'm afraid I'm late. I'm afraid I'm late. मुझे अफसोस है कि मैं लेट हो गया। मुझे अफसोस है कि मैं लेट हो गया। आई एम अफ्रेड आई एम लेट। विच पिकल्स डू यू हैव? पिकल्स कहते हैं अचार को, और एक से ज़्यादा अचार हों तो एस लग जाता है। विच पिकल्स डू यू हैव? आपके पास कौन कौन से अचार हैं? इज दिस वॉट यू वॉन्ट? इज दिस वॉट यू वॉन्टेड? इज दिस वॉट यू वॉन्ट या वॉट यू वॉन्टेड? क्या तुम यही चाहते थे? इज दिस वॉट यू वॉन्टेड? क्या तुम यही चाहते थे? हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट? Have you had your breakfast? यहाँ एक बात क्लियर कर दूँ, खाने के लिए, पीने के लिए, स्मोकिंग के लिए और नहाने के लिए टेक का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और हैव का भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। बेसिकली जितनी चीज़ें खाई जाती हैं, ईट का लफ्ज़ जहाँ भी इस्तेमाल होता है वहाँ हैव भी लगा सकते हैं, जहाँ भी टेक का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वहाँ भी हैव लगा सकते हैं। इट्स अ एडवांस, ओके। हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट, इसका मतलब है हैव यू इटन योर ब्रेकफास्ट, क्या तुमने अपना नाश्ता कर लिया? क्या तुमने अपना नाश्ता कर लिया? नॉट येट, अब तक नहीं या अब तक नहीं, अभी तक नहीं या अब तक नहीं किया। Tell me another, कोई नई बात बताओ। कहते ना Tell me something new, तो ये नया आ गया। Tell me another, कोई नई बात बताओ। The richer the meaner, तुम जितने अमीर हो उतने कमीने हो, so I'm sorry. That's what you think, ये तो तुम सोचते हो, that's what you think, ये तो तुम सोचते हो। Make the breakfast, have the breakfast, दोनों का मतलब क्या होगा? नाश्ता तैयार करो, सही है। Just taste it, इसे चखो या चख कर देखो। Just taste it, इसे चखो या चख कर देखो। No, I have to attend a party, नहीं मुझे दावत में जाना है। No, I have to attend a party,
What sweet dishes do you have? What sweet dishes do you have? आपके पास मीठे में क्या है, या आपके पास कौन सी मीठी डिश या चीज़ है? दोनों उर्दू हैं। आपके पास कौन सी मीठी चीज़ है, या आपके पास मीठे में क्या है? व्हाट स्वीट डिशेस डू यू हैव? हरी अप हरी अप, फूड हैज़ बीन सर्व्ड। हरी अप, फूड हैज़ बीन सर्व्ड। जल्दी आओ, खाना लगा दिया है, या जल्दी आओ, खाना लग गया है। हरी अप, फूड हैज़ बीन सर्व्ड। व्हाट एल्स कैन आई डू फॉर यू? आपको याद होगा, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, ये हमने पढ़ा है। लेकिन व्हाट एल्स कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूँ, इतना कुछ कर दिया, अब भी पूछ रहे हो मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता, कुछ नहीं कर, डूब मर, चुल्लू भर पानी में। व्हाट एल्स कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ। हैव अ लिटिल मोर, थोड़ा और लीजिए। कितना खिलाएगा बंदा, पेट फाड़ेगा क्या? हैव अ लिटिल मोर, थोड़ा और लीजिए। थोड़ा और कर करके बंदे का पेट ही फाड़ देते हैं। बंदा जो नहीं खाने वाला भी होता है ना, उसको भी आदत डाल देते हैं ज़्यादा खाने की। वो किसी दावत में चले जाना, मेहमान नवाजी करने, ये लीजिए, ये भी खाइए, ये भी खाइए, भाई बंदा नहीं खा सकता। उसके बाद देखें, डू यू हैव ऑल्सो स्मोक फैग? इसके दो हैं। डू यू हैव ऑल्सो स्मोक फैग? डू यू हैव ऑल्सो हैव फैग? हैव भी स्मोक की जगह लगा सकते हैं। क्या आप भी सिगरेट पीते हैं? डू यू हैव ऑल्सो स्मोक फैग? क्या आप भी सिगरेट पीते हैं? सिगरेट को सिगरेट भी इंग्लिश में कहा जाता है और फैग भी कहा जाता है। वुड यू हैव कोक आटी? वुड यू हैव कोक आटी? अच्छा, इसमें जो वुड शुरू में आ रहा होता है, ये सवालिया नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। जैसे मे शुरू में आता है अक्सर, तो वो सवालिया नहीं होता। इसी तरह ये जो वुड है, ये एक तरह से उर्दू में सवालिया नहीं होता। इसकी लगवी मायने सुने तो आपको समझ में आएगा। आप चाय पियेंगे या कोक पियेंगे? आप चाय पियेंगे या पेप्सी पियेंगे? वुड यू हैव कोक आर टी? सो ये मेज़बानी के लिए इस्तेमाल होता है। तो इससे अगला सेंटेंस देखें, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वुड यू लाइक टू हैव टी आर कॉफ़ी? इसका मतलब दो लफ्ज़ों में इस जुमले को बना सकते हैं। वुड यू लाइक टू हैव टी आर कॉफ़ी? आप चाय लेना पसंद करेंगे या कॉफ़ी? दूसरा, अब मैं हैव को हटा कर टेक का लफ्ज़ लगा रहा हूँ। वुड यू लाइक टू टेक टी आर कॉफ़ी? आप चाय लेना पसंद करेंगे या कॉफ़ी? आप हैव की जगह टेक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ वर्ब। ओके, ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी। वो मैंने तो ऐसे ही पूछा था, भाई चाय पिएगा या कॉफ़ी, तूने तो मांग ली, शर्म आनी चाहिए यार। मेरे पास तो पिलाने के लिए चाय नहीं, और तो चाय मांग रहा, शर्म आनी चाहिए। ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, जाओ मुझे एक कप चाय ला दो, या चाय लेकर आओ एक कप। मुझे एक कप चाय ला दो, या चाय का एक कप ला दो। सही है, तो नेक्स्ट देखते हैं। देखें ज़रा इस जुमले को, ये लफ्ज़ है पोर। पोर फोर, इसको इस तरह पढ़ते हैं कि फोर इस तरह पढ़ना है कि सामने वाले को आपके तलफ़ुस पर शक ना हो कि आप गलत पढ़ रहे हो। बिकॉज़ इसको मशीनरी अंदाज में कोई भी चीज़ सुनी जाए ना, तो वो परफेक्ट आप उस जैसा तलफ़ुस नहीं बना सकते। तो मैं भी अक्सर जो मशीनरी अंदाज में सुनता हूँ, जो पहली दफ़ा सुनता हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि उसी अंदाज में बोलूँ ताकि तलफ़ुस गलत ना हो। मतलब फोर द कॉफ़ी, फोर द कॉफ़ी, पुअर होता ना, ये पुअर नहीं है, फोर द कॉफ़ी, फोर 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 द कॉफ़ी,
कॉफ़ी डालिए या कॉफ़ी कप में डालते हैं ना, कॉफ़ी डाल लीजिए या कॉफ़ी डालिए। पास मी द सॉल्ट प्लीज़, पास मी द सॉल्ट प्लीज़, मेहरबानी करके मुझे नमक दीजिए, मेहरबानी करके मुझे नमक दीजिए। डोंट ऐड फ्यूल टू माई इंजरीज, डोंट ऐड फ्यूल टू माई इंजरीज, मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़को, मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़को। इसके बाद एक और बड़ा अच्छा जुमला है, ये मैंने आसिम भाई ने इनवाइट किया था एक ग्रुप में, वहाँ मैंने देखा तो सोचा इसको भी ऐड कर दूँ लेसन में। यू हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न इन ह्यूमिलेटिंग मी, ह्यूमिलेटिंग मी। जिल्लत कहते हैं ना, जिल्लत का सबब बनना या जिल्लत किसी की करना, बेइज्जती करना, उसके लिए ह्यूमिलेटिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। एक्चुअल उर्दू मेरे जहन में नहीं आ रही, बट जिल्लत जैसी कोई उर्दू थी। सो यू हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न इन ह्यूमिलेटिंग मी, तुमने मुझे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जलील करना या बेइज्जत करना किसी को, ह्यूमिलेट करना। तो यू हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, यू हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न इन ह्यूमिलेटिंग मी। बहुत ही अच्छा जुमला है, तुमने मुझे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बड़ी ज़बरदस्त आपको बात बताता हूँ आफ्टर दिस लेसन। आई एम नॉट बाउंड टू टेल यू एनी थिंग, आई एम नॉट बाउंड टू टेल यू एनी थिंग, मैं तुम्हें कुछ बताने का पाबंद नहीं हूँ। ब्रिंग सम मोर प्लीज, कुछ और लाइए, मेहरबानी करके थोड़ा और लाइए, या कुछ और लाइए, थोड़ा और लाइए, कुछ और लाइए, मेहरबानी करके। प्लीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मेहरबानी के लिए। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, बचपन में जब मैं, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, आई वॉन्ट टू बिकम अ हाफिज़ ए कुरान, बट अनफॉर्चुनेटली आई डिडन्ट बिकम। एंड आफ्टर दैट आई वॉन्टेड टू बिकम आलिम दीन, मैं आलिम दीन बनना चाहता था, हाफिज़ कुरान बनना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली आई डिड। आफ्टर दैट व्हेन आई वॉज 18 ईयर्स ओल्ड, आई वॉन्ट टू गेट जॉब इन गवर्नमेंट लाइक आर्मी, आर्मी, नेवी एंड पुलिस, लाइक दीज टाइप, दीज वैकेंसीज आई अप्लाइड, एवरीवेयर आई अप्लाइड, मैंने हर जगह अप्लाई किया था, तो मैं हर जगह से रिजेक्ट हुआ। आज मैं ये सोचता हूँ, टुडे आई थिंक आई हैव मोर देन थाउजेंड्स स्टूडेंट्स ऑनलाइन हु आर वॉचिंग माई वीडियोज़, जो मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं। सम ऑफ देम बिलोंग टू आर्मी, उनमें से कुछ का ताल्लुक आर्मी से है। सम ऑफ देम बिलोंग टू नेवी, उनमें से कुछ का ताल्लुक है नेवी से। सम ऑफ देम बिलोंग टू पुलिस, उनमें से कुछ का ताल्लुक उससे है, क्या था, पुलिस से है। एंड सम ऑफ देम आर हाफिज़ कुरान एंड सम ऑफ देम आर आलिम दीन। इवन इवन व्हेन आई टॉट फर्स्ट टाइम, आई टॉट आलिम दीन एंड हाफिज़ कुरान 9 मैट्रिक क्लास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। सो आई टॉट ऑल आर आलिम दीन एंड मुफ्ती एट दैट टाइम व्हेन आई वॉज इन बीकॉम। तो मैंने उस वक्त सबसे पहले आलिम दीन और इनको पढ़ाया था। इत्तफाक ऐसा था कि एक फादर बन रहा था, क्रिश्चियन था, उसको भी मैंने पढ़ाया। तो मैं आज सोचता हूँ, टुडे आई थिंक कि मैं वो नहीं बन सका बट मेरे बच्चे बन गए, क्या ये काफ़ी नहीं है? बेशक मैं उनसे छोटा हूँ या बड़ा हूँ, इट डजेंट मैटर, आई एम एल्डर आर यंगस्ट, यंगर, आई एम नॉट, आई एम एल्डर आर यंगर, इट डजेंट मैटर, दे आर माई स्टूडेंट्स, दे आर कनेक्टेड विद मी ऑनलाइन। वो मुझसे किसी न किसी बराह रास्ता या बग़ैर ताल्लुक़ के किसी तरह भी मेरे से कनेक्ट है। सो दे आर माई स्टूडेंट्स। सो टीचर्स, टीचर बन के मुझे, मैं वो तो नहीं बन सका, हाफिज़ नहीं बन सका, आलिम नहीं बन सका, फ़ौज में जाना चाहता था नहीं बन सका, रेंजर्स में जाना था नहीं बन सका, लेकिन आज मैं तसव्वुर करता हूँ कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स जो हैं कहीं ना कहीं से कोई
किसी ना किसी फील्ड में निकल ही आता है। और मुझे जब बताता है कि मैं आर्मी में हूँ, मैं फौज में हूँ, तो मुझे बड़ी एक खुशी सी होती है कि एक वक्त था मैं बहुत तरसता था कि शायद मुझे कोई जॉब मिल जाए। इवन आई वॉन्टेड टू ट्राई आफ्टर दैट व्हेन आई डिसअपॉइंट फ्रॉम नेवी आर्मी पुलिस आई अप्लाइड इन टीचर टीचर इन गवर्नमेंट टीचर और आल्सो आई अप्लाइड इन प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस बट दे रिजेक्टेड मी। उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। बट नाउ आई हैव मोर देन लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स इवन दे डोंट यू यू कैन नॉट काउंट दे आर अनकाउंटेबल। वो इतने लोग हैं कि आप काउंट नहीं कर सकते, इतने स्टूडेंट्स हैं बिकॉज मेरा मोबाइल में मेमोरीज ख़त्म हो गई है, इतने मैसेज आते हैं मेमोरीज नहीं होती। बट आई डोंट हैव टाइम टू टॉक विद दैम। मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं उनसे बात करूँ बट दे आर कनेक्टेड विद मी, दे डोंट माइंड बिकॉज दे नो आई एम बिजी पर्सन। बट आई थैंक यू टू एवरी वन। मैं शुक्र अदा करता हूँ आप सबका और सबसे पहले मैं शुक्र अदा करूँगा अपने अल्लाह का। थैंक यू गॉड टू गिव मी दिस चांस टू बिकम टू मेक मी लाइक दिस। मुझे इस तरह बनाया। आई डोंट माइंड इफ आई एम नॉट अ टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल आर प्राइवेट स्कूल आर कॉलेज, इफ आई एम नॉट अ आर्मी सोल्जर, इफ आई एम नॉट अ पुलिस सोल्जर, इफ आई एम नॉट अ आर्मी सोल्जर, रेंजर सोल्जर, इफ आई एम नॉट नेवी सोल्जर, सो इट डजेंट मैटर। आई हैव ऑल दीज थिंग इन माई फिंगर टिप्स। ये तमाम मेरी उंगलियों पर है बिकॉज ऑल माई स्टूडेंट्स। बिकॉज एक बाप होता है ना, उसके लिए यही सबसे बड़ी खुशी की बात होती है कि उसका बेटा या बेटी ने वो काम कर दिखाया जो बाप ना कर सका, बेशक बाप में 10 खामियाँ ही क्यों ना हो। सो ये बात मैं शेयर करना चाहता था बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी। आगे चलते हैं। हेल्प योर सेल्फ प्लीज़। हेल्प योर सेल्फ के 3 मतलब हैं, ये बात याद रखिएगा। खुद कीजिए, अपने आप कहिए, शुरू कीजिए। कोई भी काम खुद करना, अगर किसी को बोले ना खुद करो भाई, हेल्प योर सेल्फ, या शुरू करना, या किसी को बोले यार काम शुरू करो, हेल्प योर सेल्फ, या किसी को कहना अब आप खुद खाएं, खुद करें, खुद पानी पिए, तो उसमें लफ्ज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। हेल्प योर सेल्फ कि आप उससे बोल रहे जो भी काम है वो खुद करो। सो होप ये तीनों सेंटेंस आप और से सुने होंगे। आर यू वेजिटेरियन, आर यू वेजिटेरियन, एक वक्त था ये लफ्ज़ मुझसे प्रोनाउंस नहीं होता था। आर यू वेजिटेरियन, ओ क्या आप सब्ज़ी खोर हैं। सब्ज़ी खोर से मुराद इस मतलब जो सब्ज़ी खाता हो, गोश्त ना खाता हो, उसको सब्ज़ी खोर कहते हैं। अब उर्दू में क्या कहते हैं आई डोंट नो। वुड यू हैव मिल्क, यहाँ पे हैव का इस्तेमाल किस लिए किया गया है, ड्रिंक के लिए किया गया, पीने के लिए भी हैव का इस्तेमाल करते हैं, ये बात याद रखिएगा। वुड यू हैव मिल्क, आप दूध पीना पसंद करेंगे या आप दूध पियेंगे। अगर मैं इसमें लाइक टू, वुड यू लाइक टू लगाता तो पसंद का लफ्ज़ आ जाता, लेकिन यहाँ लाइक टू नहीं लगा हुआ। वुड यू हैव मिल्क, आप दूध पियोगे। ओए हाय हाय हाय, क्या जुमला है। डोंट फ्लैटली आंसर योर टीचर्स, डोंट फ्लैटली आंसर योर टीचर, अपने उस्ताद को दो टोक जवाब मत दो, यानी फौरन एक तो था ना इस बेइज्जती करने के लिए जवाब मत दो। नेक्स्ट है आई नियरली लेफ्ट टू मीट हिम, मैं उसे मिलते मिलते रह गया। आई नियरली लेफ्ट टू मीट हिम, मैं उसे मिलते मिलते रह गया। डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मॉल, डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मॉल, बात का बतंगड़ मत बनाओ। किसी चीज़ का बतंगड़ बनाना मॉल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसके लिए। आई एम नॉट फाउंड ऑफ राइस, मुझे चावल पसंद नहीं या मैं चावल नहीं खाता। आई एम नॉट फाउंड ऑफ राइस, मुझे चावल पसंद नहीं या मैं चावल नहीं खाता। चिकन बिरयानी इज़ माई फेवरेट डिश, दिस इज़ ट्रू। मुर्गी वाली बिरयानी मेरी पसंदीदा डिश है या चिकन बिरयानी मेरा पसंदीदा खाना है। चिकन बिरयानी इज़ माई फेवरेट डिश, दोनों उर्दू इसी के लिए हैं। अगर थोड़ा तेज़ चल रहा हूँ तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा इसके लिए।
इट इज़ डिनर टाइम, गेट रेडी, ये रात के खाने का वक्त है, तैयार हो जाओ. व्हाट डिशेस आर कुक फॉर टुडे, व्हाट डिशेस आर कुक फॉर टुडे, आज क्या पका है खाने में, या आज क्या खाना पकाया है, या आज खाने में क्या पका है. व्हाट डिशेस आर कुक फॉर टुडे, पोटैटोज आर ऑल वी गेट टुगेदर, हमने आलू सारे जमा कर लिए हैं. लेकिन इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है, आलू के सिवा कोई चीज़ नहीं मिलती, या आलू के सिवा कोई चीज़ नहीं है खाने में. आई एम स्टिल थर्स्टी के दो मतलब हैं उर्दू में, मैं अभी भी प्यासा हूँ, मैं अभी भी प्यासा हूँ. आई एम स्टिल थर्स्टी, मेरी प्यास अभी नहीं बुझी, मेरी प्यास अभी नहीं बुझी. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर ड्रिंकिंग वाटर, यू आर हैविंग अ वाटर, एंड यू द पर्सन गो एंड ड्रिंक ड्रिंक नो सॉरी, इफ आई एम ड्रिंकिंग अ वाटर एंड आई वॉन्ट मोर, सो आई कैन से दिस, मेरी प्यास अभी भी बुझी नहीं, आई एम स्टिल थर्स्टी. ही इज़ ग्लैटॉन, ग्लैटॉन मैं पहले भी बता चुका हूँ, पेटू के लिए, ये मुझे बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, मेरे पे भी तंस के लिए, ओ पेटू कहाँ जा रहा है. सो ही इज़ अ ग्लैटॉन, वो पेटू है. तारिक इज़ अ ग्लैटॉन, वो तारिक पेटू है. ब्रिंग अ पिंच ऑफ साल्ट फ्रॉम योर मदर, अब ब्रिंग अ पिंच ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट है ये, साल्ट नहीं है, सॉल्ट है, आई थिंक सो. सॉल्ट फ्रॉम योर मदर, अपनी अम्मी से चुटकी भर नमक लाओ. डोंट टेक वाटर ऑन एम्प्टी स्टमक, डोंट टेक वाटर ऑन एन एम्प्टी स्टमक, खाली पेट पानी मत पियो. देयर इज लेस सॉल्ट इन द कैरी, एक बात याद रखिएगा, हैरी का भाई खैरी, खैरी कैरी नहीं है ये, करी 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 सॉरी करी ना, इसको करी करी पढ़ते हैं, करी खरी खरी खरी. देयर इज लेस सॉल्ट इन द करी, खाने में नमक कम है या सब्जी में नमक कम है. एक और देख लें, यहाँ पे दो लफ्ज़ मुश्किल आए हैं, उनका तलफ़ुज़ देख लें. माई वाइफ रिलाइशिस, रिलाइशिस माई वाइफ रिलाइशिस ब्रॉयल्ड, ब्रॉयल्ड क्या लफ्ज़ है, ब्रॉयल्ड रिलाइशिस बॉयल्ड पोटैटोज, भुने हुए होते हैं ना, जो भुने हुए, भूनना जो कहते हैं, भूनना कैसे कहते हैं ये मत पूछना क्योंकि मेरी उर्दू खुद ख़राब है, मुझे खुद नहीं पता. भुने हुए आलू मेरी बीवी को बहुत पसंद है, या भुने हुए आलू मेरी बीवी को बहुत मज़ेदार लगते हैं. लास्ट बट नॉट लीस्ट, सॉरी इससे पहले ये जुमला बोलना था, अब बोल दिया. यू हैव कमिटेड एन एक्सट्रीमली चीप एक्ट, यू हैव कमिटेड एन एक्सट्रीमली चीप एक्ट, बहुत ही घटिया हरकत की है तुमने. ओके गाइस, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अस्तला विस्ता, दुआओं में याद रखें इंशाल्लाह. सी यू एट नेक्स्ट वीडियो एंड रिमेंबर मी एंड माई फैमिली इन योर प्रेयर. अगर वाकई में मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं, सो वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, प्लीज़ प्रे फॉर माई पेरेंट्स, आई डोंट हैव एनी थिंग टू गिव दैम, मेरे पास कुछ नहीं है अपने माँ बाप को देने के लिए, जस्ट आई हैव प्रेयर, मेरे पास सिर्फ दुआ है. सो आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ प्रे फॉर माई पेरेंट्स, माई चिल्ड्रन एंड माई वाइफ. अल्लाह गिव दैम हैवन, एंड अल्लाह उन्हें जन्नत दे. सो मे अल्लाह ब्लेस दैम, अल्लाह उन्हें रहमते बरकते दे. सो होप यू यू कैन प्रे विद मी, जस्ट जस्ट आई रिक्वेस्ट प्रे, यानी दुआ के लिए मैं सिर्फ दरख्वास्त करूँगा और किसी चीज़ की नहीं. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अस्तला विस्ता.